सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी लोकल होस्ट वाली जो साइट है उसे कैसे लाइव कर सकते हैं, और उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन लाइव पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे एनजीओ के रिलेटेड है, मैंने देखे थे। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊँगा वो बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, और कुछ सर्विसेज तो ऐसी हैं जो फ्री भी हैं लेकिन उनका काम बहुत है। तो वो जो सर्विस है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की हेल्प से यूज़ करेंगे, जिसका नाम होगा वेब सर्विसेज। तो इन सर्विसेज को यूज़ करके हम अपनी साइट को लाइव कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, और आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस मैंने देखा है लोग सिंपली एंटरप्राइज वाले मोड पे जाके साइन इन करके रजिस्टर कर लेते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ मांगी जाती है। लेकिन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, उनको पता है कि स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स के केस में आपको ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाती है, प्लस क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट वाला इसमें भी दिया जाता है एंटरप्राइज एडिशन में, लेकिन वो $200 का होता है, लेकिन स्टूडेंट्स में $100 का हो जाता है। लेकिन ये क्रेडिट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो लोकल होस्ट जो हमारी साइट है विद HTTPS हम कैसे लाइव करेंगे, सिक्योर सर्वर है, ठीक है, हमारी एक इनक्रिप्टेड होके हमारा डाटा जाएगा यूज़र के पास, साइट हमारी उसे दिखेगी जैसी है वैसे। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आप एनजीरो की हेल्प से साइट रन करते हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको आपका टॉम कैट सर्वर या फिर कोई भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं आपका लोकल होस्ट रन करने के लिए, तो वो आपको बैकएंड में रन करके रखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसके बारे में इसकी वर्किंग भी बताऊंगा एंड में, लेकिन सबसे पहले मेन जो फोकस मेरा है अभी वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दिस। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना, प्लस सब्सक्राइब भी कर ही देना। यार क्या जा रहा है, अभी तक तो कर ही दिया होगा आई थिंक सो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ कम ही देखने को मिलती है, आपको भी पता है। सो दैट्स वाई आई टेल यू दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट मी स्टार्ट। सो यहाँ पे मेरा एक्लिप्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैंने ये वाली जो साइट है इसको मैंने एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में पब्लिश करी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोडक्ट हाइफन विवेक हाइफन धीमान डॉट एज्योर वेबसाइट्स डॉट नेट पर जाता हूँ, तो ये मेरी साइट है, 100% वर्केबल है। अगर यही साइट को मैं यहाँ पे आके रन ऑन अपाचे करूँ, रन ऑन सर्वर करके, यहाँ पे मैं रन ऑन करूँगा रन एस अनोन सर्वर फिनिश, तो यहाँ पे बैकएंड में इसकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कनेक्शन की। सो ये अपने आप करेगा, एंड देन वी हैव दी साइट दैट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन आर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। बट एज वेल है, आप अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोकल होस्ट के थ्रू भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, पर हमने हमारा आज का यही है कि हमने इसको लाइव करना है। जैसे कि मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है HTTPS लगा हुआ, साथ में माइक्रोसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, हमारा सब डोमेन लगा हुआ है, जो हम चाहते हैं वो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट जो प्लान है वो चूज़ करना पड़ेगा, कैसे बताता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टूडेंट, जस्ट इतना आपने सर्च करा। अब एक्लिप्स में जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम ये कवर अप करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करके साइन इन करना है, जो डिटेल मांगी जा रही है साफ साफ आपने दे देनी है, एंड देन आपको यहाँ पे साइन इन करना है। जैसे मेरे केस में तो अभी मैं साइन इन हूँ, तो मैं साइन अप क्यों करूँ बार बार, तो यहाँ पे मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड इनक्रिप्टेड SHA-256 लगाया हुआ है, इस करके हमें पासवर्ड नहीं दिखता है, एंड देन वी आर गुड टू गो। मेरा यहाँ पे साइन इन हो चुका है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अपने एज्योर पोर्टल पे जाऊँगा, और यही पोर्टल है जिसका एक्सेस हम सभी ने लेना है। और सपना होता है सबका कि भाई ये मिल जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं होती ये चीज़ें कि भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बिना भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। सो आज की इस वीडियो में ये हमारा प्लस पॉइंट था। मुझे पता है कि कईयों को नहीं पता होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये मिलती है ऐसे भी। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था पहले, पर मुझसे क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे, मैंने सोचा कि भाई एज ए स्टूडेंट भी मिलता होगा ये सारी चीज़ें, पर देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो हियर वी गो, हमारा जो साइन अप साइन इन जो भी था वो हो चुका है। इसको हम यहाँ तक इसको हम गूगल प्ले स्टोर में भी दे सकते हैं इस ऐप को, हम अपने
साइट को गूगल प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड करके कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऐप सर्विसेज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्टे नाम का ऐप, जो कि रनिंग स्टेटस उसका रनिंग है, यानी कि अभी बैकग्राउंड में रन हो रहा है। इन माई केस अगर मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी साइट को लाइव करना है, लाइक इसको मैं रन करता हूँ, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करके फिनिश, इसको लाइव करना। अभी इसका कोई भी मेरे पास डाटाबेस नहीं है सो दैट मैं इसको लाइव कर पाऊँ, तो उसको लाने के लिए आपके एक्लिप्स में आपको सबसे पहले रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रिपोजिटरी है आपको दिख रही है, ये अब नहीं रही। इसके अलावा हमारे पास दूसरी रिपोजिटरी आई है नई वाली, उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली आपको इसको ओपन किया करना है सिंपली, और इसको कॉपी कर लेना एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद हम यहाँ पे आके अपना जो भी रिपोजिटरीज वगैरह हैं वो हम ऐड करेंगे एक्लिप्स में आके। अगर वीडियो थोड़ी फास्ट हो रही है तो आप पॉज कर करके दोबारा दे सकते हैं, सो दैट आपको पता लगे। मैं ये फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा है, इस करके टाइम लग सकता है। एंड देन वी हैव टू, हमने इसको लाइव करना है ना, तो वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। अब जो लिंक आपने यहाँ से कॉपी किया, नोट वरी, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू विल एक्सेस दिस साइट एज वेल एज। तो मैं यहीं से इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, वहाँ से नहीं करता। एंड देन यहाँ पे आके सर्च करूँगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया एज्योर टूल किट फॉर जावा। आपको यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट करना है सारा। सो यहाँ पे लिखा रहा है ऑल आइटम्स आर इंस्टॉल्ड, मेरे केस में मैंने इंस्टॉल करी हुई है तो मुझे बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश करके इंस्टॉल करना है, जैसे यहाँ पे ये रन हो रहा है आपके केस में इसको फिनिश होने देना है। मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसको फिनिश होने देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे दिस विल टेक सम टाइम आई थिंक सो। सो ये फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे जो सा प्रोजेक्ट आपने लाइव करना है, जो भी प्रोजेक्ट आपने उस पर राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे जैसे ही आपके इंस्टॉल हो जाएगा ना, आपको यहाँ पे एज्योर लिखा हुआ दिखेगा। अब जैसे आप एज्योर पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा साइन इन, तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ कॉपी। अब ये कॉपी करके आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है, अपने आप कॉपी हो गया था वो, आपको सिंपली कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास अब मेल आएगी, हर एक चीज़ यहाँ पे ऑथेंटिकेट की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी। कंटिन्यू। सो यहाँ पे दोबारा यू हैव साइन इन टू टूल किट, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमने साइन इन कर लिया बड़े आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपके केस में आपको ओटीपी आ सकता है आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले जीमेल जो भी आपने दी थी उस पे, एंड यू आर गुड टू गो। अब हमने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, हमने जो अपना सर्वर है, जो हमारी साइट का डाटा है सारा, उसको हमने भेजना है एज्योर के प्लेटफॉर्म के पास। कैसे देखते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे एज्योर फॉर स्टूडेंट दिख रहा है, आपने ये जो सब्सक्रिप्शन आईडी दिख रही है मेरी है, आपने इसको करना है सिलेक्ट। अब जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा, आपको सिंपली फिर से यहाँ पे जाना है और एज्योर पे आना है, पब्लिश एज एज्योर वेब ऐप पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये रीडिंग हो रही है कि मेरी सब्सक्रिप्शन कौन सी वाली अभी एक्टिव है। इन माई केस मैंने तो स्टूडेंट वाली जो मैंने फ्री काम करना था वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट प्लान है हमारा एज्योर फॉर स्टूडेंट्स, एंड ये जो बाकी हमारे खुले हुए हैं इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम इसको, ये थोड़ा टाइम लेता है जस्ट बिकॉज कि ये चेकिंग हो रही होती है कि भाई कौन सी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है हमारी, ऑथेंटिकेट होता है, फिर उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था ये टाइम लेगा, इस करके मैं फास्ट करवा रहा था, लेकिन हमारा जो इससे वाला नेक्स्ट वाला काम होगा वो होगा एनजीरो के ऊपर। सबसे पहले हम ये वाली साइट लाइव कर देते हैं, पर एनजीरो ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपने अगर साइट ही दिखानी है किसी को तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ही यूज़ कर लें, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस विल टेक टाइम, लेट मी पॉज दिस वीडियो अप टिल दिस प्रोसेस। सो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोसेस फिनिश हुआ, जैसे ही वो जो आपको दिख रहा था वो चल रहा था वो यहाँ पे आके सेव हो गया, हमारा टॉम कैट वाला वेब कंटेनर है उसके अंदर। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट, ठीक है, आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्रिएट, क्रिएट
क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ऐप का नाम देना है, लाइक इन माय प्रोजेक्ट, कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे वेब लिखूंगा, उसके बाद अपना नाम, सो दैट ऑथेंटिकेट कर पाऊँ कि ये मेरा ही ऐप है, मेरी ही साइट है। विवेक मन एंड देन यू आर गुड टू गो। हमने जावा पे काम करना है, टॉम कैट हमारा वर्जन है लेटेस्ट 9, एंड हमने एक नया कंटेनर क्रिएट करना है, सो दैट वी जस्ट हैव टू चूज जावा यूएस, मेरे केस में यही चलती है। एंड बेसिक सेलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक करूँगा, सो दिस विल अगेन सम टेक सम टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार पोज करता हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वो जो प्रोसेस चल रहा था फिनिश हुआ, हमारे पास ये लिंक आ चुका है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा डिप्लॉय का सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिखा, आपके केस में डिप्लॉय दिखेगा। आपको सिंपली ये डिप्लॉय पे क्लिक करना है। सो एक्चुअली हमारे केस में डिप्लॉय हो चुका था, इस करके हमारी जो साइट है वो लाइव हो चुकी है। देखिए विद HTTPS यहाँ पे लिखा रहा है सर्विस अनअवेलेबल, एरर 503, लेट मी चेक ओवर हेयर। यहाँ पे लिखा रहा है कॉन्टेक्स्ट विद नेम, वेब इज़ कम्प्लीटेड, लेट मी गो ओवर हेयर एंड कॉपी द URL। तो हम ये कॉपी करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे 503 एरर आ रहा है, लेट मी चेक, हियर वी गो। यहाँ पे हमारा डाटा आ गया सारा जो भी पड़ा होगा, लेकिन इन माई केस में से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साइट जो हमारी स्टार्ट हो। तो ये रनिंग है, ठीक है, हमने इसे स्टार्ट किया, सो स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ रन करके। देखिए तो हमारी जो साइट है वो बिल्कुल एक्सेसिबल है, 100% एक्सेसिबल है, आपके सामने ही है। मैंने ये स्टार्ट किया, रनिंग पोजीशन में आ गया। जैसे ही मैं इसे, अभी तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करना है मैंने इसका। सो यहाँ से मैंने यस लिखा एंड देन डिलीट, तो यहाँ पे देखना एकदम से आ जाएगा 403 या 404 एरर, देखते हैं। सो अभी रनिंग है ये, तो सो सबसे पहले स्टॉप करते हैं एंड देन डिलीट। सो डिलीट हो चुका है, सॉरी, बार बार डिलीट करके क्या करना हमने। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, 404 वेबसाइट साइट नॉट फाउंड। लेकिन अगर प्रोडक्टे वाली साइट हमारी अभी रनिंग पोजीशन में चल रही है, देखिए कैसे एकदम से लोड हुई। और अभी तक मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो ज़रूर से कर देना। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ एंड ज़ीरो। अब आप चाहते हैं, आपका एक क्लाइंट है, आपको जस्ट उसको साइट थोड़ी देर के लिए बतानी है, 5 से 10 मिनट के लिए, तो आप या फिर 19 मिनट मान के चले, आपने उससे क्या करना है, सिंपली आपने एनजीरो जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो डाउनलोड करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो गाइस यहाँ पे मैं अपना एनजीरो जो है वो ओपन करता हूँ एंड देन आई हैव टू पेस्ट दिस कोड, क्योंकि हमारी जो साइट है वो लोकल होस्ट पे है। एंड देन यहाँ से आपको एस रिमूव करना है, क्योंकि हमारी लोकल होस्ट पे एस नहीं चलेगा, सिक्योर नहीं है सर्वर। एंड देन 8080 एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो सेशन है अभी ऑनलाइन हो चुका है, हमारे पास ये 2 URL आ चुके हैं, हमने सिंपली ये URL कॉपी किया एंड देन लेट मी ओपन क्रोम फर्स्ट एंड देन यहाँ पे हम आके पेस्ट करेंगे। लेकिन ये एरर शो करेगा, क्योंकि इसके पीछे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, फेल टू कम्प्लीट टनल कनेक्शन, जस्ट बिकॉज कि हमने अपना भी क्लिप्स जो है उसे रन करना है। सो लेट मी ओपन द क्लिप्स। सो भाई, जब तक क्लिप जो रन होता है उसके लिए बारे, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने एनजीरो के साथ वर्किंग की। एनजीरो की वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। एंड देन थोड़ी सी एनजीरो की वर्किंग बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, सो उसको पेंडिंग रखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप वेब सर्वर पे जो कि एजियोर वाला है उस पर अगर आप साइट लाइव करते हैं, इन सम हाउ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं टू दिस मेल, सो दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू और असिस्ट यू विद, एंड देन मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमारा जो ये एक्लिप्स ओपन हो गया होगा, तो जैसे ही ये ओपन होता है, मैं इस पर एक बार, इसको एक और कंडीशन थी एनजी रोक की, जो मैं आपको भी बता सकता हूँ, बता भी देता हूँ कि सबसे पहली जो कंडीशन थी वो थी कि आपका जो सर्वर है, इसे मैं अपाचे नहीं कहूँगा, सर्वर को कहूँगा, वो बैकएंड बैकएंड में रन होना चाहिए, बैकएंड में जो है उसका रन होना ज़रूरी है।
सबसे पहले हम सर्वर को रन कर लेंगे, रन ऑन सर्वर, फिनिश। ये कनेक्शन क्रिएट करेगा स्टार्टिंग। जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, इन माई केस मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेब। अब ये इमेज यहाँ पे हमें वेब में नहीं दिखेगी क्योंकि इस इमेज में मैंने अपने कंप्यूटर की फाइल का पाथ डाला है, ना कि कोई यूआरएल। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा वेब। हमारी कंडीशन क्या थी जो मैंने आपको बताई कि हमारा बैकएंड में सर्वर चलना चाहिए, वो चला हुआ है। हम यहाँ पे सिंपली वेब लिखूँगा, सेम एज इट इज़ नाम, एंड देन प्रेस एंटर। देखिए हमारी साइट आ चुकी है और इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बस अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है आपने, जस्ट हैव टू लाइक सब्सक्राइब।